अल्लाह का बहुत एहसान करम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारा लीगल सेल था, जो एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट अवेश साहब और मुंबई हाईकोर्ट के महेंद्र साहब, संजू कदम साहब, ये तमाम ही हमारा जो लीगल सेल था, जो एडवोकेट थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की और ख़ास तौर पर अय्यूब खान साहब ने मुसलसल तमाम ही लोग जो एनसीपी के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़रिए 20-22 लोग के तकरीबन हमारे पास जो लिस्ट है, तमाम ही लोगों की मालेगांव से लेकर मुंबई तक हम लोगों ने मेहनत की और अल्लाह का एहसान है कि आज ये तमाम ही लोग जमानत के ऊपर बाहर आ चुके हैं। आज अतीक अहमद और वसीम अहमद, ये दोनों जो हमारे आखिरी जिन लोगों की जमानत कल हुई और आज उनको भी सेंट्रल जेल से मालेगांव शहर लाया गया। मैं तमाम ही वकला और हमारे तमाम ही जिम्मेदारान का, यू पाई का और तमाम ही साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह का करम है कि हम सब लोगों की हम लोग जमानत कराने में कामयाब हुए। बहरहाल कई लोगों की ज़मानत अभी हम लोग वापस हाथ में लिए हैं, उसकी हमारी कोशिश जारी है। मुंबई हाईकोर्ट के अंदर अभी हम लोग 2-3 रोज के अंदर जमानत दाखिल करेंगे और इंशाल्लाह उन लोगों की जमानत होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कोर्ट के ज़रिए। क्योंकि मुझे जो समझ में आया है कि मालेगांव शहर की जो पुलिस थी, जो मुंबई हाईकोर्ट के अंदर जो देरी हुई, जो मैंने मालूमात किया, वो देरी होने की जो वजह थी कि वहाँ पर कोर्ट को भी, मुंबई हाई कोर्ट को भी मिसगाइड किया गया, गलत रिपोर्टिंग की गई, गलत से दाखिल किया गया, सरकारी वकील के जरिए गलत मालूमात वहाँ पर हाई कोर्ट में दी गई। ये वजह से कई लोगों की जमानत रद्द भी हुई थी और कई लोगों को जमानत जो देरी हुई उसकी मेन वजह ये भी रही। बहरहाल ये कानूनी लड़ाई की बात है, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हमारी अपनी कोशिश सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि ट्रायल तक, जब तक ये लोग बाइज्जत बरी नहीं हो जाते, जब तक बाइज्जत रिहा नहीं हो जाते कोर्ट के ज़रिए, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा लीगल सेल इस तरीके से काम करता रहेगा। यही आज मुझे इस मौके के ऊपर कहना है और तमाम ही शहर के नौजवानों से मेरी अपील है कि आप लोग कानून हाथ में ना लें और गैर कानूनी तौर पर पुलिस फंसाने का काम करती है, बेगुनाहों को फंसाने का काम करती है, समझ में आया है, लेकिन हम लोग भी एहतियात करें, यही मैं शहर के नौजवानों से कहना चाहता हूँ।